हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जून से स्टार्ट हुई है। ये वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन से आई है। यहाँ से परमानेंट पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए वैकेंसी है। मल्टीपल स्कूल के मल्टीपल डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी है एंड 200+ सीट अवेलेबल है। यहाँ कैंडिडेट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट रहेगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हेलो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन से। इसकी नोटिफिकेशन 15 जून को आई है। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंसी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड बाय यूजिंग कमीशन वेबसाइट। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ये इसकी डिटेल दी हुई है। फर्स्ट नंबर है न्यू वैकेंसी CESE 2024। इसके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से वैकेंसी है। यहाँ से आप नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट, ये रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं एंड ये अदर रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी है इंग्लिश के लिए, जिसमें की 5 सीट अवेलेबल है एंड ये रिजर्व है इन कैटेगरी के लिए। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 5% की रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट को। अगेन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश में वैकेंसी है, 1 सीट अवेलेबल है जो कि रिजर्व है इन कैटेगरी के लिए। यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। देन यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है फॉर BEd कॉलेज, 1 सीट अवेलेबल है एंड ये रिजर्व है इन कैटेगरी के लिए। यहाँ कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद 55% मार्क्स होना चाहिए प्लस MEd विद 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन है 5% की फॉर SC ST। देन यहाँ से आप अदर रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं, क्लियरिंग नेट कंडक्टेड बाय UGC, स्लेट या सेट। अगर कैंडिडेट PhD अवार्डेड है तो नेट, सेट, स्लेट से एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से आप सारी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेंगे। जो वैकेंसी की डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस में, 3 सीट अवेलेबल है यहाँ पर। देन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इकोनॉमिक्स में, इसमें 2 सीट अवेलेबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इन फिलोसफी, इसमें 2 सीट अवेलेबल है। देन एजुकेशन में 2 सीट अवेलेबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है केमिस्ट्री में, इसमें 1 सीट अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में 1 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट है, ज्योग्राफी में 1 सीट है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए BEd कॉलेज में वैकेंसी है। पीडागोगी ऑफ सोशल साइंस में 1 सीट अवेलेबल है जो कि रिजर्व है इन कैटेगरी के लिए। सेकेंड नंबर में यहाँ पर वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, इसके अंदर में लेक्चरर के लिए वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में, 3 सीट अवेलेबल है। देन लेक्चरर के लिए वैकेंसी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, 1 सीट अवेलेबल है। लेक्चरर के लिए वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इसमें भी 1 सीट अवेलेबल है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप यहां से देख सकते हैं। देन यहां डिपार्टमेंट ऑफ SCRT में वैकेंसी है, इसके अंदर में लेक्चरर फिजिक्स में 1 सीट की वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 सीट की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 2 सीट की वैकेंसी है, सोशोलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है, साइकोलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। देन यहाँ 4 नंबर एंड 5 नंबर में स्कूल एजुकेशन के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि TGT PGT के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
सिक्स नंबर में बैकलॉग वैकेंसी ऑफ 2018 है, जिसके अंदर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में वैकेंसी है, 2 सीट अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट को आप देख सकते हैं। सेवंथ नंबर में बैकलॉग वैकेंसी ऑफ 2019 है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, 1 सीट अवेलेबल है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में वैकेंसी है, इसमें भी 1 सीट अवेलेबल है। कॉमर्स में वैकेंसी है, 1 सीट अवेलेबल है। लाइब्रेरियन के लिए 1 सीट अवेलेबल है। स्टेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, 1 सीट अवेलेबल है। 8 नंबर में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। इसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है साइकोलॉजी चाइल्डहुड स्टडीज में, इसमें 1 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन सोशल साइंस के अंदर में, इसमें भी 1 सीट अवेलेबल है। 9 नंबर में SCERT में वैकेंसी है रिसर्च एसोसिएट के लिए। 10th नंबर में बैकलॉग वैकेंसी ऑफ 2022 है, इसके अंदर में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन अंडर हायर एजुकेशन में वैकेंसी है। इसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है इन परफॉर्मिंग आर्ट, 1 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट वैकेंसी लेक्चरर अंडर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। इसके अंदर में लेक्चरर की वैकेंसी है आर्किटेक्चर में, 1 सीट अवेलेबल है। लेक्चरर की वैकेंसी है इंटीरियर डिजाइन में, इसमें 1 सीट अवेलेबल है। देन यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जो कि TGT PGT के लिए है। 14 नंबर में बैकलॉग वैकेंसी ऑफ 2022 है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। इसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है इन हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है इन इंग्लिश। देन मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। सोशोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है। 15 नंबर में बैकलॉग वैकेंसी ऑफ 2023 है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इसके अंदर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है इन बॉटनी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है इन केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है इन इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है इन सोशियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है इन जूलॉजी। फिर से गाइज यहाँ पर मल्टीपल स्कूल के मल्टीपल डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। आप जिस डिपार्टमेंट से अप्लाई करेंगे उसकी कैटेगरीज वाइज सीट को देख लेंगे एंड अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी डिटेल भी देख लेंगे। यहाँ से आप इसके पे स्केल को देख सकते हैं, ये डिफरेंट पोस्ट की दी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगी, इंट्री पे 57,700 रुपीज रहेगी। यहाँ से आप इसके एज लिमिट को देख सकते हैं, यहाँ अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 इयर्स, मैक्सिमम एज 30 इयर्स होना चाहिए। देन यहाँ अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स फॉर SC ST गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। देन यहाँ इन डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। यहाँ से आप इसके इम्पोर्टेंट डेट को देख सकते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है 20 जून 2024 नून से एंड कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 15 जुलाई 2024 नून तक। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुई है 21 जून 2024 नून से एंड कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं 18 जुलाई 2024 नून तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर बाद में अनाउंस किया जाएगा। यहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जामिनेशन फीस 300 रुपीज है, कन्वीनियंस फी 25 रुपीज है। अगर कैंडिडेट की कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है, काफी टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए एंड मैक्सिमम डिपार्टमेंट को कवर किया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।